हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास चीज़ जो कि आप घर में बस 20 रुपए में ही बना सकते हैं, देख सकते हैं वो। और वो चीज़ है, आपको आगे पता चलेगा, उठने वाला गैस बलून, जो कि बाहर मार्केट में 50 रुपए में मिलता है, हम घर में 10 रुपए में ही बना लेंगे। ये देख सकते हैं, ये है ड्रेन क्लीनर, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और इसके साथ हमको ये चाहिए, घर में पड़ा होगा आपका नॉर्मल, ये जो है एल्यूमिनियम का मेडिसिन का कवर वगैरह, ये सारा चीज़। तो ये तो आपके घर में पड़ा ही होगा, वैसे फेंक देते हैं सब इसको। तो इसको और इसको हम यूज़ करके बना देंगे एक उड़ने वाला हाइड्रोजन बलून। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और इसके लिए पहले हमें एक ये ग्लास का बॉटल चाहिए, छोटा सा। तो इसमें हम पानी भर के उसके अंदर हम इसको डालेंगे। इसके डालने के बाद फिर देखते हैं, आप देखते रहिए एक्सपेरिमेंट हम क्या क्या करते हैं। अभी इसमें हमने पानी भर लिया है इतना, आधा से थोड़ा ऊपर। और इसमें अभी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ये देखिए, ये ऐसा दिखता है। इसको हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे बहुत सारा। आप देख सकते हैं इतना अमाउंट हमने इसमें भर लिया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं पानी के साथ। ये थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम लगेगा अच्छे से मिक्स होने में। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद इसमें हम इन सबको डालेंगे, क्रश करके, बहुत छोटा छोटा पार्ट करके क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे हम। उसके मिलने तक हम इन सबको क्रश कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह, जैसे बॉटल के अंदर जा सके आराम से ऐसे। ये हो गया, ये देखा, अच्छे से आप क्रश कर लें इसको। ये देख सकते हैं, ये भी, ये सर हमने क्रश कर दिया है इसको। अभी इसको वो मेल्ट हो गया होगा, पानी में मिल गया होगा, इसको इसमें डालेंगे। और हाइड्रोजन गैस कलेक्ट करने के लिए हमें एक बलून की आवश्यकता है। तो ये है हमारे पास एक बलून, इसी में हम हाइड्रोजन गैस जो भी उसमें रिलीज होगा उसको इसमें कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि ये कैसे हवा में उड़ता है ऊपर।